न्यायालय से जजमेंट आया है हाँ। जो हमारे खिलाफ पारित हुआ है। अच्छा। और आगे की कार्रवाई जो है नियमानुसार रूप से हम इसकी अपील करेंगे। और आदेश में कई ऐसे अंग जो हैं बताए गए हैं जो बिल्कुल विपरीत है, जो हमने लिखा ही नहीं है उस चीज़ों का उन्होंने तथ्य उजागर किया है। और इन सारी तमाम बातों को लेकर के हम अपील करेंगे और बाकी न्यायालय पर हमें पूरा विश्वास। सर एक और सवाल, ऐसा पैमाइश किया गया है जिसमें पत्थर का निशान नहीं माना गया, फिर भी जो है कि कैसे निशान लगा दिया घर पे? देखिए प्रशासनिक मंशा है जो अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए काम कर रही है और इसका विरोध किए, लेकिन ये प्रशासन के दबाव में सुनवा नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो है अगली कार्रवाई जो है अपील की है, आगे जो भी फैसला आएगा। आपका लगता है कि आपका रिपोर्ट आगे सबमिट किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा? अब प्रशासनिक गतिविधियों को देखते हुए तो अगली कार्रवाई प्रशासनिक ही है, विश्वास तो है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, नहीं तो फिर जुडिशरी को अपनाया जाएगा। हम लोग के खिलाफ आया है और उन्होंने जो जजमेंट दिया है वो बहुत सारी कमियों के साथ दिया है। जिस देखिए जजमेंट पे उंगली उठाना हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन जजमेंट में जो कमियां हैं उन कमियों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और अपील करेंगे, और बाकी इसके बाद नहीं है तो हम जुडिशरी को अपनाया जाएगा। अगला रोल क्या होगा? अगला रोल है अपील करने का, हम अपील करेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे। और अपील देखिए अपील के लिए 30 दिनों का समय है जी। और 30 दिनों तक नियमानुसार बिल्डर नहीं चल सकता है। यदि ये कानून का उल्लंघन करते हैं हाँ। तो प्रशासनिक मंशा अपने आपके मंसूबों को जो है कायम करना चाहते हैं। जो व्यक्ति लाइन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। बेदखली कार्रवाई के बाद क्या लगता है आप बुलडोजर पर भी आते हैं? देखिए बिल्डोजर कार्रवाई जो है वो 30 दिनों के बाद हो सकती है, क्योंकि कानून कहता है ये ऑर्डर तब तक अंतिम नहीं होगा जब तक कि 30 दिन पूरे ना हो जाए। मेरे पास अपील के लिए 30 दिनों का समय है और मेरा इंतजार है कि मैं अपील करूँ, उसके बाद जो भी जजमेंट आएगा हम उसको सुधार करेंगे। ये था कल की चर्चा की हाईकोर्ट में भी आप लोग जाने की तैयारी कर रहे थे।